डराओ मत। मैं कोई पराया थोड़ी हूँ, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ तुम ब्याह के इस गांव में आई थी। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम चाहो तो उधार ले लो और कल से आ जाना। ये लो। देखो मैं कितना बड़ा जोखिम उठा रहा हूं ना, तुम्हारी मदद करके तुम भी थोड़ा सा, मेरा मतलब है अच्छा काम करोगी, मुझे खुश रखोगी तो दोनों का भला होगा ना। सेठ जी। अरे म, 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 की होया जी? हैं? अंबा तू इथे? तू इथे की कर रही है? मजबूर थी, काम मांगने आई थी। काम देने के बजाय सेठ जी को कुछ और ही सोच रहा है। अरे भलाई तो करनी नहीं चाहिए किसी की, शर्म नाम की चीज है आपको? क्या कहा था जब मेरी शादी होकर आई थी? मैं तब से जानते हैं मुझे, तब भी इतनी हिम्मत बढ़ गई आपकी? जिस छन्नी दे विच 72 छेद होण ना, वो हांडे विच चकनी भी खाया कर दे। अरे पाई लोगो देखो तो किदा मेरे शरीफ घर वाले ते इल्जाम लगा रही है। अरे पूरा पिंड जानदा है तू की गुल खिलाए ने। खुद ते बच्चलन औरत है, अपनी सास नु जान लाल मारने की कोशिश कीती, वो भी उस पराए मर्दे लई। अरे जा किते होर जाके मुंह काला कर, एथे तेरी दाल नहीं गलन वाली। छी छी, अरे शर्म ते आंदी नहीं, हजे तक पिंड विच पाईए इन्नी छिछलेदार है ये, खुद के गिरेबान ते चाकी मार दी नहीं तो दूजा ते उंगल चोक दी है। अंबा ये सब बहुत बुरा हो रहा है, देखो ना तुम ना घर के हो ना घाट पे कपड़ा धो पा रही हो। हम एक बात बोले, हम समझते हैं तुम्हारे सिद्धांत सब तुमको इजाजत देते नहीं, पर ये सब ऐसा बाजार में इज्जत उतरवाने से तो अच्छा है मान लो मेहमान जी की बात। बेटा हम तुम्हारी अम्मा जैसा है, बच्चा सबका परेशानी नहीं देखा जा रहा हमसे, घर टूट रहा है बेटा। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना जो अंग्रेजी पियेंगे, हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ले, तेरे लिए भी है। आज मैं देसी नहीं पी सकता, मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। छोटू। अरे शाम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो अरे चाचा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच दस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। अच्छा।
देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।